नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में एक दरोगा और कांस्टेबल पर लगा 1.5 लाख रुपए वसूली करने का आरोप। कानपुर के कोहना थाना पर तैनात चौकी प्रभारी रानीगंज SI और कांस्टेबल पर एक BTC के छात्र ने 1.5 लाख रुपए वसूली का आरोप लगाया है। बता दें कि इससे पहले भी दोनों पर आरोप लग चुके हैं। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पीड़ित डिप्टी पड़ाव निवासी नितिन त्रिपाठी ने बताया कि 23 जनवरी को उनके दोस्त वासु सोनकर ने उनसे स्कूटी मांगी और लेकर गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया और मोती झील आने के लिए बोला। वहां जाने पर वासु ने स्कूटी दे दी और वॉशरूम जाकर आने को बोला। इसी दौरान स्विफ्ट कार से आए रानीघाट चौकी इंचार्ज और सिपाही और एक अन्य पुलिसकर्मी उनको स्विफ्ट डिजायर कार में लेकर थाना कोहना चले गए। जब उन्होंने थाने लाने की वजह पूछी तो बताया कि तुम्हारी स्कूटी से 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। पीड़ित ने बताया कि उनकी स्कूटी उनका दोस्त वासु सोनकर लेकर गया था, फिर भी उन्होंने नहीं माना और पुलिस ने 2 लाख रुपए की डिमांड की और 1.5 लाख रुपए देकर छोड़ दिया। पीड़ित का आरोप है कि उनके दोस्त वासु, दरोगा, कांस्टेबल तीनों की मिलीभगत से उसके साथ फ्रॉड किया गया है। वहीं DCP सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया कि इस संबंध में वो स्वयं जांच करेंगे। CCTV और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? नितिन त्रिपाठी। नितिन जी, क्या घटना आपके साथ हुई थी? सर, मैं लोग उठा ले गए थे आपको, क्या मामला? सर, मैं कैंट से पढ़ा के निकला था बच्चे को, तो मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया वासु सोनकर ने, तो मुझे उसने घर के पास अपने बुलाया, तो मेरी स्कूटी फिर 5 मिनट के लिए लेके गया। 5 मिनट बाद वो आया मेरे पास, तो हमसे कहता वहाँ चलना है मोती झील, तो मैं गया मोती झील के पास में, लाशों सामने रुका वहाँ पे, तो उसके बाद उसने मुझसे 5 रुपये लिए। हमसे कहता वाशरूम करने जाना, तो मैं वो वाशरूम करने के लिए गया, तो उसके बाद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 2-3 वर्दीधारी लोग आए और मुझे बैठाया स्कूटी पे, मतलब कार पे बैठाया और मुझे कार से कोना ले गए और स्कूटी कोई उनका साथ कहीं चला के थाने में पहुँचा। जब मैं थाने वहाँ पहुँचा तो मुझसे कहा गया कि आपकी डिग्गी में 500 ग्राम चरस निकली है, तो मुझे चरस ना दिखाई गई ना कुछ हुआ। तो सर, मैंने अपने भाई को वहाँ से कॉल किया, तो मेरा भाई आया, तो भाई से उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की, तो इस उसके बाद मेरे भाई ने 1.5 लाख रुपए दिया, तो उसके बाद से मुझे वहाँ पर छोड़ दिया। और ये सर वहाँ पे थे राहुल वर्मा और एक कपिल यादव चौकी इंचार्ज थे और उनके साथ में कोई सिविल में था वो थे, और शायद इंस्पेक्टर साहब भी मेरे साथ मेरे हमसे बयान लेने के लिए आए थे। बयान लेके गए तो उसके बाद चौकी इंचार्ज कपिल यादव और इंस्पेक्टर साहब आपस में कुछ बात करा उन्होंने, उसके बाद मेरे पास में चले आए अंदर। वासु सोनकर सर मेरे वहीं पर घर के पास में है और वो दोस्त है, साथ में खेलता था, तो चक्कर से उसने फ़ोन करके बुलाया, तो दोस्त है जी। सर, शिकायत तो मैंने सब शिकायत मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में की है सर, पुलिस आयुक्त को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी सब कुछ लिख पूरी एप्लीकेशन दे चुका हूँ सर मैं। सर, एक टीचर का मामला सामने आया कि टीचर को पुलिस द्वारा उठा ले जाते हैं, चरस के मामले में पैसा लिया गया, क्या मामला है और क्या जांच? देखिए, नितिन त्रिपाठी करके एक जो व्यक्ति है ये हमारे पास आए हैं अभी, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि इनका दोस्त है ये वासु सोनकर, इसको इनके दोस्त ने इनको मोती झील पर बुलाया, वहाँ पे जो कोहना थाने से 2 पुलिसकर्मी इन्होंने आरोप जो लगाया है राहुल वर्मा और चौकी प्रभारी वहाँ के कपिल आए थे और इनको लेके गए और फिर थाने पे इनके द्वारा बताया गया कि इनको छोड़ने और चरस का लगाने के एवज में कुछ पैसे ले लिए गए। इस पर तत्काल मेरे द्वारा ही जाँच की जा रही है और इसमें जो इनके जो नितिन त्रिपाठी जी हैं इनसे बात करी गई है, अभी दूसरे जो पक्ष हैं उनको भी बुलाया गया है, CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है, लोकेशन भी देखी जाएगी, अगर ये बात सत्यता होगी तो इसमें ज़रूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।